हेलीकॉप्टर वाला आके हेलीकॉप्टर से चले जाएगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा ना जानेगा। आपका कौन गांव है, कौन गली है, कहां से आप हैं, कोई जानकारी नहीं होगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, अगर अर्जुन बैठा जी को पूछा जाए तो हर एक गांव, हर एक गली, हर एक खेत तक इनको जानकारी है। हमने बोला कि भैया आना है अगला मोड़ से, तो इन्होंने बोलता नहीं है नहीं मोड़। हमने कहा इतना तो कम से कम जानकारी है। ये बोल के खुश होता है मन सोच के कि जो नेता को मैंने चुनने जा रहा हूँ वो नेता मेरा घर गांव गली का नाम को मालूम है उनको। हमें यहाँ से और भी हमारे वक्ता है, जरा मैं नंदिनी देवी जी को बोलना चाहता हूँ। नंदिनी जी जरा आप बात रखे महिलाओं के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी ग्रामीण लोगों को मेरा प्रणाम। और हम लोग आज इसलिए आप लोग के गांव में आए हैं, हम ऐसा घूमे हैं, हमारे कार्यकर्ता चूल्हा प्रमुख बनाए हैं, मूल भूत सुविधाएं हैं उससे आप वंचित रहते हैं। भैया के पास आप वंचित नहीं रहिएगा, ये हम लोग का वादा है। अर्जुन बैठा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन बैठा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, अर्जुन बैठा जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, अर्जुन बैठा जीतेगा। महिला सवार ये सब तारापीठ जाने के लिए तैयारी था भैया, एक बार ले आचार संहिता लगने चलती नहीं हुआ। चार तारीख के बाद उधर जाना है, उधर जाना देखिए सुनो, पूरे विधानसभा के लगभग 200 का जीत के Thank you.
इससे हम लोग 15 साल से हैं और अभी देखते होंगे कि हम लोग विधायक रहते हुए 4 साल लगातार फील्ड में काम करने वाला काम किया। तो अर्जुन भैया हर दुख सुख में, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे किसी भी प्रकार का तो बताओ तो भैया को याद कीजिए तो आएंगे। तो यही हम यह कह चाहिए तो नहीं दीदी सब चाची दादी भाजी जो भी हैं सबके यह कह चाहिए कि हवा हवा वाला बहुत है तो और मोटा मोटा चैन वाला पहने ले तो ओकनी ना देखना होगा। हवा वाला ना हवा चप्पल वाला देखना हो और गरीब का नेता देखना हो, गरीब के बेटा का नेता देखना हो और अपने अब की बार जो हो सो 5 नंबर में बटन दबाना हो बल्लेबाज छप। यह नारी शक्ति से हम निवेदन करें, प्रार्थना करें तब तो हम कुछ आगे कर सकेंगे। अपने और सभी बड़े भाई को सभी को अपने ओर से हार्दिक बधाई स्वागत करता हूं और साथ ही साथ
साथ ही साथ हम लोग चुनावी सभा में हर पंचायत अब गांव गांव में दौरा कर रहे हैं, लेकिन खासकर हम लोग के साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी छल कपट किए हैं, अपना पार्टी भी छल कपट किए हैं। तो हमारे सभी कार्यकर्ता जनता की ओर से कि आप निर्दलीय के उम्मीदवार हैं, हम निर्दलीय जिताने के लिए तैयार हैं। अब कुछ समय बीतने के बाद जब लास्ट दिन था उसमें हम लोग के कार्यकर्ता ने जोड़ दिया कि चुनाव लड़ना हो, तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, नॉमिनेशन किए और सब कार्यकर्ता मैंने नहीं बोल पाया, इसलिए मैं अपने ओर से वो सब कार्यकर्ता से क्षमा मांगता हूँ। खास करके आज तरातर में पहुँचे हुए हमारे सभी यहाँ पर जिला प्रमुख ग्राम प्रमुख बूथ प्रभारी को अपने ओर से अपने जनता की ओर जो 5 नंबर बटन और बल्लेबाज छाप है उस पर 20 तारीख को आने वाले समय में आप लोग बहुत समय दे के समय पर जाके वोट देने का निर्णय लेना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। आज हमने ये यहाँ पहुँचा लिए, हमने 4 साल काम कर ली बहुत, जैसे तो खेती करो धान रोपो तो अपन धान को काटे दबो है ना। आज हमने साथ छल कपट पहले हमने लोकल लिए बहुत दिन मेहनत कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन यहाँ के बाहरी आदमी थप्पे काम कर लिए। प्रचार कर बहुत आदमी थे, बड़ा बड़ा नेता ही थे, लेकिन हमें प्रचार कर ला सब तोहने को, प्रचार तोहने करवे, वोट मांगवे तोहने दिए दियाना और करना सब तोहने के। बहुत आदमी हेलीकॉप्टर इतने जहाज इतने वोट मांगता है, बहुत तरह के बात करके शिकायत करके 3-4 को गाना जाने हैं, खट्ठो जाने हैं, बंगलो जाने हैं, इंग्लिशो जाने हैं और मगहियो जाने हैं, जहाँ जहाँ फिट होकर शरण करे उस करें आदमी सुधरे। झूठ बोल के जाना है 15 दिन के अंदर, वो पार्टी का काम है कि झूठ बोल के हम बहला के वोट ले लेना है। आज तुम्हें अवशासन था कि 4 महीना का वोट हके, 5 महीना फिर वोट होता है। आज ये स्थिति बेंगाबाद की है, पूरे इलाका के 4 महीना में जितना रोड दखेब कर रही है कि कहीं रोड ठीक ना, रोड हम पहले काम प्रथमता दे, रोड होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, बिजली व्यवस्था होना चाहिए, ओकर पर हमारा ध्यान है, फोकस ओकर पर रहते हैं। सोनी जी तक भेजो जो 40 वर्ष में काम ना भेला, उस 4 महीना में करके देखे तब वोट मांगा। अर्जुन बेटा जिंदाबाद, 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 अर्जुन बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, बाहरी नेता ना चलतो, बाहरी नेता ना चलतो। बहुत समय कम बचल है, आप तोहनी विचार हो तोहनी के साथ जहाँ जो ना वहाँ भी बोल दिया तोहनी, आप 20 तारीख का मतदान। जिंदाबाद, आपकी सरकार, लोकल उम्मीदवार, आपकी बार, लोकल उम्मीदवार, आपकी बार, लोकल उम्मीदवार, आपकी बार, लोकल
बाहरी नेता ना चलतो, बाहरी नेता ना चलतो, बाहरी नेता ना चलतो, बाहरी नेता ना चलतो। आज चार महीना के मकान फिर बोल रहे ठीक है। आज चार महीना की हमने तैयारी कर ली है, चार साल से पांच साल से तैयारी कर ली है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं फेल कर लिए। हमने ना हले कुछ और दलित समाज हो के हमने के जनता पार्टी हमने के ना देखे तो फैल ठीक है। और अभी हमने के समाज दलित समाज के सब ऊपर से तो सब बड़ा नेता संजय करके यहाँ कर पता कि बोल फलना फोटो आज स्टार्ट कर ले बोलो ना एक पर ध्यान दिया कि अपने आदमी तो वो मामू बजना बोले हमने की एक दें दस साल दें, लेकिन ये सब पहुँचे ना हो। हमने एक चीज़ कि अभी समय मिलल है, सब दिन अंग्रेज के शासन चल रहा, अभी भी अंग्रेज तो चलते हैं, आज भी अंग्रेज के शासन हमने साथ करे रह लें। इसलिए सब सोच विचार के एक दलित के बेटा हो के नाते आत्मानी के आशीर्वाद से अपना आगे बढ़ा लिए। तो कहीं ना कहीं चार महीना के अंदर से काम करना हुआ, जो तजुर्बा है उतना काम जितना हम चार चालीस साल करने पहले उतना चार महीना उतना पंद्रह महीना देखिए वोट मांगे लेंगे। हाँ तो बहुत मांगे ना आए हमने। दूसरी चीज़ है कि हमने एक ग्यारह उम्मीदवार है हम दलित से काम नहीं और हमने जब उम्मीदवार है तो दिल्ली पर हमने भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमने के पूरा अफसर भी बोल है मैंने गद्धो भी बोल है माँ बहन बेटी बेचना है नंगे घूमते बोल है पूरा व्हाट्सअप में कर ले अपनी पर्चा दो तो नहीं व्हाट्सअप कर ले पर हम अफेयर कर चुके। लेकिन हमने एक दलित के नाते हमने क्या अपना ध्यान दिया कमजोर के नाते वही रहते पूरा हमने इतने मजबूत लोगों को कुछ ना कर सके बाकी रहते हम बड़ा मजबूत तो ना मैं होती तो ना करता मैं होती जाना है कमजोरी इसलिए ना हो सके कहीं ना कहीं हमने कमजोरी के फायदा बड़ा उठा ले आज समझे ना पा रहा बहुत ऐसे गाना गा लेते महारा भी गए तो महारा भी गावे भी गावे अब बंगाली भी गावे तू समझे विचार ना है हमें एक ही लाइन में करना है हाँ पूरा विनय गोस्वामी फोन करते हैं विनय गोस्वामी तो हम एक एक हलों को मिल रहा है भैया तो सामने बने और भैया बात का पता नहीं सर भैया बोलते बोलते गलवा पड़ गया ठीक हो कल तो यहाँ पंद्रह तारीख ले जाना ठीक है अपने तारा एकदम जो भी आवे खावे जहाज पर नहीं बोले Thank you.
हमारे भाई बहनों, पत्रकार बंधु, हमारे सभी साथी आए चल के सभी पत्नियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और माता रानी के सभी पर आशीर्वाद मना रहा मैं कामना करता हूँ। साथ ही साथ आज हम लोग पूरे मेघवा का भ्रमण कैसे कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और एकाएक मौका मिला हम मूर्ति लगाने के लिए और हमारे सभी माता बहन अभी हमारे परिवार जी बोले थे भाई बन के रक्षक हैं, लेकिन हमारे बहने दुर्गा बन के मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और हम लोग आज वाले बात छाप पांच नंबर पर बटन दबा के इस तारीख आने वाले में हम लोग भूल करें अधिक से अधिक और हमारे मोटीरा दफरी जनता का कर्ता मेरे दिल में है, हम उनके दिल में है ये मेरा मानता हूँ, क्योंकि हम यहाँ जब भी आए हैं सबको सहयोग मिला है, अपना समर्थन मिला है और जब भी आए हैं आप बहुत स्वागत उनको मिला है, मैं भूल नहीं पाता हूँ और इस पंचायत को ग्राम को भूल नहीं पाता हूँ जो हमको स्वागत मिला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये पाँच छः महीना का वोट है, आप वोट करें तो 40 साल में जेल जवान वो चार महीना करके दिखाऊंगे तो पांचवा महीना वोट मारने का नहीं आऊंगा। जिंदाबाद 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 आपकी बार लोकल विकास। विकास नहीं होगा तो मांगने का अधिकार हमको नहीं है, मैंने पहले विकास करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे। यहाँ पर सभी दर्शक ने काम किया है और लोकल उम्मीदवार को जिताना बाहरी को भगाना एक परम किया है सभी जनता और कार्यकर्ता ने, यहाँ छोड़ने का काम किया यदि भारतीय जनता पार्टी को देना था यही सभी समाज था, यहाँ बार माता किसी समाज को देना था तो गांव विधानसभा को देना था, उठाने का काम किया। हम लोग 11 कैंडिडेट हैं लेकिन एक दलित कैंडिडेट हमें और मेरे भारतीय जनता पार्टी जो वार किया है जो ऊपर लछंदा लगाया वो कहने के बात नहीं, ऐसा शब्द जो बोल रहा है उस भारतीय जनता पार्टी को मैंने आपने उसे जो वचन दिया है तो सोचना पड़ेगा कि आप इस जनता के लिए धोखा दिए हैं, हमारे बहन और भाई बहनों के लिए धोखा दिए हैं। आपने यदि बोले हैं कि बहन बेटी बेचते हैं तो पूरे गांव विधानसभा को बेच रहे हैं, आप बच्चन बैठा नहीं बेच रहे हैं, बिकते काम किया है तो उनको जवाब देने के लिए आपको काम का तैयार रहे।
यदि आता है तो घुसने नहीं दीजिए। अरे लड़ा है तो हम आपने लड़ा है, हमारे बहन और माता में कोई लड़ाई नहीं होता है। उसे लड़ा की बात करते हैं, जिससे लड़ा होता है उसे डांट लेंगे। चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, एक हम दलित समाज के हैं इसलिए हमको ऐसा भाषा बोला है। नहीं बोल सकता दूसरे को गारद है उसने शेर मोहम्मद था उसको भी नहीं बोल पाए कहने के आधार उसको धोखा लगा और गांधी जनता उसको धोखा देगा। आज हम लोग चार महीना का समय है, चार महीने बीस चार चार और पाँच महीना का बहुत समय है विधानसभा का, और दो बहुत होगा, एक लोकसभा एक विधानसभा। विधानसभा पाँच छः महीना का है और लोकसभा पाँच साल के लिए है। आप लोकसभा वोट अलग होगा और विधानसभा वोट अलग होगा। आप लोग तय करना कि हमको मोदी लेला से वोट से आगे वैशाली को बना के बना के भेजना है, इससे हर पंचायत में आगे बढ़ेंगे और आपके पेपर आपका सुना रहा तो आने वाले समय में भारी मतों से हम लोग जीतेंगे और जनता का पास समर्थन मिलेगा तो आगे जरूर बढ़ेंगे। और लोग आप लोग जीता के भेजें, भारी को भगाने का काम करें, यही करके अपना समर्थन। जय हिंद, जय झारखंड, जय बिहार, जय माता दी। लोगों का जो मांग था, ग्रामीणों का जो मांग है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, और आप एक स्थानीय उम्मीदवार है, इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, चुनाव की जो परिस्थितियां है उसको देखकर आपको कैसा लगता है? जनता जो मांग है, जनता का जो मांग है आपको क्या लगता है? देखिए, हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और हमारे माता बहनें जो दुर्गा की शक्ति है उनका अपार समर्थन दे रहा है कि बाहरी को भगाना है और लोकल को बचाना है। और हम लोग को वोट को लूटे नहीं, वोट छूटे नहीं, और वोट को जिसको एक वोट छूटे नहीं एक वोट को लूटे नहीं, ये शब्द यहाँ आ रहा है। और हमारे जो यहाँ का जनता है वो मांग रहा है कि हम लोग लोकल मीडिया चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। अच्छा, जो परिस्थितियाँ बनी कि आप बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और आपको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है, वो क्या किया नहीं किया, यदि उन्हें कुछ मेरे साथ घटना किया या मेरे साथ दिक्कत किया तो यहाँ के जानकार कार्यकर्ता एकदम ठान लिया कि आपको चुनाव लड़ना होगा और भारतीय जनता पार्टी को एकदम जमानत जब्त करने के लिए तैयार है। कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में आपको? वो पूरा समर्थन, अपार समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ माता बहने कितने, आप दो घंटे में आध घंटे में कितने जुट जाते हैं, पाँच मिनट आने नहीं हुआ भीड़ हो गया। इसलिए जनता का अपार समर्थन, माता बहनों का अपार समर्थन पूरे क्षेत्र में है। और गांडे विधानसभा में एक ही एकलौता बेटा हूँ जो कि निर्दलीय उम्मीदवार और लोकल उम्मीदवार हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्र की जनता? जनता का यही अपील हम करते हैं कि यहाँ के जो हमको पहला सिंचाई का व्यवस्था हो, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था हो, और बिजली पानी बिजली व्यवस्था हो, और सड़क दुरुस्त कैसे हो, पूरे इलाका में सड़क कहीं न कहीं एक सड़क नहीं बना, इसके लिए हम लोग पूरा इस क्षेत्र से जाएंगे तो पहला व्यवस्था रखें कि सड़क कैसे बने, सिंचाई कैसे हो, अब बिजली का व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य का पैसे कैसे हो, इस पर हमारा जोर रहेगा। लंबा समय गुजरा इस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंच पाई, ये जो चार महीना आपका होगा, इस चार महीना में आप किस तरह जनता का विश्वास जीते? देखिए, हम 40 साल में जो विकास नहीं हुआ हम चार महीना में करेंगे, और नहीं तो फिर हम घूम के विधानसभा में खड़ा नहीं होने। हम विकास करने के लिए हमको जानते हैं कैसे विकास किया जाता है, कैसे विकास लाया जाता है, उसके लिए मैं जानता पूरा हमको विश्वास है। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि दलित समाज का पैसा, जो पैसा आता है कल्याण विभाग का, वापस हो जाता है, 10% खर्चा होता है, ये 90% मेरा क्षेत्र में खर्चा होगा तब पूरे विकास होगा, ये मेरा मैंने जानकार है। हम जानते हैं कैसे विकास हो सकता है, इसमें विकास के लिए पूरा जानकारी है और एक एक विकास की जगह होना चाहिए, मैं क्षेत्र घुमा विकास कर सकते हैं। अर्जुन बैठा जी आए हुए हैं आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, और आज वो वोट लेने के लिए आपके बीच में आए हैं, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? अर्जुन बैठा किस तरह सटीक बैठते हैं? सेटिंग बैठाएंगे और सेटिंग करेंगे, हम भी अर्जुन का नाम का है।
अर्जुन शर्मा नाम है हमारा, और हमारा अर्जुन जी बैठक आए हैं तो हमारा दोस्त हो गया। जहाँ से जहाँ तक होगा वो प्रयास पूरा करेंगे और जिताएंगे, और हमारे जितना भी पंचायती में है वो सारा काम करेंगे। आपको विश्वास है? विश्वास है, पूरा हृदय से दिल से विश्वास है। मैंने जीत सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना है, पूरा एकदम जान जिन लगा के करना है, जैसा भी हो। ये कि इस गांव में मोतलेदा में अर्जुन बैठा जी बैठे पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने गादे क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम पूर्व में भी किया है, बिना विधायक रहते हुए उन्होंने किया है, और अभी जो अपार समर्थन जनता का देखने को मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है इसके जीत के प्रति आप सुनिश्चित है? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कवरेज किए, और मेरे ओर से सभी इस चैनल को देखने वाले को झारखंडी जोहार कुमार बताओ। देखिए विकास का जो बोलिएगा ना, विकास चार साल में जो भैया किए हैं वो परस्पुट अभी दिखाएगा, और पूरा गांडे विधानसभा में जो नारी शक्ति है सो उठाना है कि अब की बार जो है सो विधायक के रूप में अर्जुन बैठक को देखना चाहते हैं। पूरा नारी शक्ति एकता हो चुका है पूरा गांडे विधानसभा में, उन्हें तो आने वाला दिन जो है 20 तारीख को आप लोग देख सकते हैं कि कहीं भी वो कवरेज कीजिए आपको देखिएगा सबसे ज़्यादा वोटर्स मिलेगा तो अर्जुन भैया का मिलेगा, और नारी शक्ति का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलेगा। और जैसे यहाँ पर फील्ड में जो घूम रहे हैं तो पूर्व में जो भी इन्होंने काम किया है, अभी कौन सा काम आपको लग रहा है जो बच गया है जो इनको करना चाहिए? सबसे पहले काम यहाँ बचा है रोड। इस क्षेत्र में जहाँ तक हम लोग कवरेज किए, जहाँ तक हम लोग क्षेत्र में भ्रमण किए, लुपी गेंद्रो बलकुद्दर बदवारा और अभी तेलोनारी इधर घूम रहे हैं, हर जगह रोड का समस्या है। भैया से मैं हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं इनके साथ जो हम लोग अभी हैं खड़े हैं, भैया से हम यही निवेदन करेंगे कि कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, और जीतने वाला दिन अगर आप जीत के जाइएगा तो सबसे पहले आप समस्या अगर करना है तो रोड का समस्या, पानी का समस्या और बिजली का समस्या, तीन को समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं। आपका चैनल का माध्यम से जो पूरे विधानसभा या पूरे झारखंड या पूरे देश में जो भैया का नीच पर जा रहे हैं फील्ड का जो वर्किंग है अभी, तो हम कहना चाहते हैं यही विशेष कुछ नहीं बोलेंगे, 10 साल हमारी बीजेपी सरकार की सरकार चली है और 5 साल हमारे झारखंड में जेएमएम की सरकार है, लेकिन बेंगाबाद प्रखंड में अगर कोई ऐसा नेता है बीजेपी में तो मेरा साथ चले। जहां पानी आज भी डाड़ी से पी रही है महिलाओं, और डाड़ी का पानी पी करके किस तरह वो जिंदगी काट रही वहां जा करके हम घुमाते हैं, वो बीजेपी का नेता मेरा साथ चले, हम दिखाते हैं 10 साल वो बीजेपी का प्रधानमंत्री क्या किए, और 5 साल में जो सीएम हमारे हेमंत सोरेन रहे हैं वो क्या किया हमारे बेंगाबाद प्रखंड का, यही हम दिखाते हैं। स्थिति रोड और पानी की, सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा जो होनी चाहिए जिसमें हमारा पूरा भारत का विकास होगा शिक्षा से, तरह जगह जगह का स्कूल मर्ज कर दिया गया, और मर्ज होने के बाद आज बच्चा इधर उधर भटक रहा है, जब 3 किलोमीटर स्कूल जाना पड़ता है बच्चा को पढ़ने, वो बच्चा कैसे जाएगी पढ़ने के लिए? शिक्षा, पानी और रोड सबसे ज्यादा मूल समस्या है। और बात है कि भैया आज हमारी महिलाओं के साथ है, तो महिला के साथ और हम लोग भैया का साथ है, हम लोग को जितना मदद किया हक और अधिकार के बारे में आज तक कोई पार्टी महिलाओं को सामने लाने के कोशिश नहीं किया, लेकिन भैया ही एक ऐसा ओनली वन शख्स है हमारे गांडे विधानसभा में जो महिलाओं को राजनीति में आगे लाए हैं और अपना मत और अधिकार के बारे में हम लोग को आगे लाने का आगे बढ़ने का मौका दिया है। इतना ही कह करके मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा। नंदे का विधायक कैसा हो? नंदे का विधायक कैसा हो? जीतेगा वो जीतेगा, जीतेगा जीतेगा।